नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं किसान जेट क्लासेज के ऐप पे। और आज अपने हॉर्टिकल्चर की जो फिफ्थ नंबर की क्लास है वो पढ़ेंगे अपन बेर। इससे पहले अपन ने मैंगो कंप्लीट कर लिया है, अमरूद है, पपीता है, केला है, ये चार टॉपिक अपने क्लियर हो चुके हैं। आज पांचवे टॉपिक के बारे में डिस्कशन चलेगा। तो बात करते हैं मित्रों बेर की। किसकी मित्रों? बेर। और बेर के बोटनिकल नेम यानी कि वनस्पति के नाम, बेर का जो बोटनिकल नेम होता है, तो बेर के जो बोटनिकल नेम होते हैं इसमें देखो आप लोगों को तीन बोटनिकल नेमों को ध्यान में देखकर चलना पड़ेगा। जैसे फर्स्ट बात करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा पेमली बोट, तो बेर का बोटनिकल नेम होता है जिजिपस जुजुबा। क्या होता है मित्रों? जिजिपस जुजुबा या मोर्सियाना। क्या होता है मित्रों? मोर्सियाना। जिजिपस जुजुबा या मोर्सियाना। क्या होता है? मोर्सियाना। आगे बात करते हैं फैमिली, तो इसकी फैमिली क्या होती है ध्यान रखना, फैमिली होती है इसकी रैमनेसी। पिछले साल जेट में पूछा था कि बेर की फैमिली या कुल कहलाता है, तो क्या कहलाएगा? रैमनेसी। आगे बात करें फल प्रकार, किसकी बात? फल प्रकार। आप लोगों को मैंने एक ट्रिक बताई थी, वह फल जिसमें गुठली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुठली। तो जिस भी फल के अंदर गुठली पाई जाती है उसका फल प्रकार क्या कहलाता है मित्रों? ड्रुप या अष्टिल कहलाता है। क्या कहलाता है? ड्रुप या अष्टिल। आगे बात करते हैं 2N बराबर, यानी कि बेर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी पाई जाती है? तो बेर के अंदर गुणसूत्रों की संख्या 48 पाई जाती है। कितने मित्रों? 48 इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या होती है। आगे बात करते हैं खाए जाने वाला भाग, कौन सा भाग? खाए जाने वाला भाग। तो बेर का कौन सा भाग खाया जाता है? याद रखना पेरिकार्प। कौन सा भाग? पेरिकार्प। और पेरिकार्प की ट्रिक आप लोगों को मैंने जब अमरूद पढ़ाया था मैंने बताया था कि वह फल ये बाहरी भाग खाया जाता है, जिसका बाहरी भाग खाया जाएगा उसका फल प्रकार खाए जाने वाला भाग क्या होगा? पेरिकार्प होगा। क्या होगा मित्रों? पेरिकार्प। बीच में गुठली आती है, गुठली के ऊपर वाला हिस्सा यानी कि बीच वाला गुदा खाएंगे तो क्या कहलाएगा? बीच वाला गुदा मीजोकार्प कहलाएगा मित्रों। क्या कहलाएगा? मीजोकार्प। तो ये अपने खाए जाने वाले भाग की बात। आगे बात करते हैं उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान क्या है? बेर का उत्पत्ति स्थान मध्य भारत है। क्या है मित्रों? मध्य भारत। यानी कि जो बेर है उसका उत्पत्ति स्थान, इसकी ओरिजिन यानी कि इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई है, बेर की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो बेर की उत्पत्ति मध्य भारत से हुई है। कहाँ से हुई है? मध्य भारत से। आगे बात करते हैं जलवायु की, यानी कि बेर के लिए जलवायु कौन सी उपयोगी होती है? तो गर्म एवं शुष्क जलवायु का पौधा है। कैसा? गर्म एवं शुष्क जलवायु, यानी कि ये एक ऐसा प्लांट है जो राजस्थान के लिए उपयोगी है, क्योंकि राजस्थान की जो अधिकांश जलवायु होती है वो होती है गर्म एवं शुष्क जलवायु। कैसी होती है मित्रों? गर्म एवं शुष्क जलवायु होती है। आगे बात करते हैं उपनाम, कौन से नाम? उपनाम। कि उपनाम क्या होता है? तो बेर कौन सी जलवायु का पौधा है? शुष्क जलवायु का। तो शुष्क प्रदेश का फल या शुष्क फलों का राजा, क्या कहेंगे मित्रों? शुष्क फलों का राजा कहेंगे। आगे दूसरा उपनाम जो होता है इसका, शुष्क फलों का राजा तो क्या है? क्योंकि ये शुष्क जलवायु के अंदर उगता है। आगे बात करते हैं गरीब का सेब, दूसरा नाम क्या है इसका? गरीब का सेब। अब आप लोग एक बार इसका स्क्रीन छोड़ ले ताकि पढ़े आगे। आगे बात करते हैं मित्रों तो पुष्पक्रम, किसकी बात करेंगे मित्रों? पुष्पक्रम। यानी कि जो बेर का पुष्पक्रम है
और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना। पुष्पगर्म क्या कहलाता है? साइमोस कहलाता है बेर का। क्या कहलाएगा? साइमोस। और इस पर डबल स्टार दे, क्या दे? डबल स्टार। आपके 2020 जेड के एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि बेर का जो पुष्पकर्म होता है क्या कहलाता है? साइमोस। आगे बात करते हैं मित्रों, प्रवर्धन, यानी कि बेर का प्रवर्धन किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो याद रखना, बेर का प्रवर्धन रिंग बडिंग या टी कलिकाइन द्वारा करते हैं। किसके द्वारा? रिंग बडिंग या टी कलिकाइन द्वारा प्रवर्धन करते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, यह तो ये अपने प्रवर्धन की बात। भारत में बेर का सर्वाधिक उत्पादन एमपी में होता है। कहां पर होता है? एमपी में। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बेर का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? एमपी में। और आप लोगों से पूछ लिया जाए कि बेर कहाँ के प्रसिद्ध है भारत में, तो क्या जवाब देना है? एमपी के। यानी कि भारत में बेर कहाँ के प्रसिद्ध है? एमपी के। अगर आपसे बात करूँ कि राजस्थान में बेर का सर्वाधिक उत्पादन तो कहाँ पर होता है? चौमू जयपुर में। कहाँ पर होता है? चौमू जयपुर में। कहाँ पर होता है उत्पादन सर्वाधिक? चौमू जयपुर में। किसका? बेर का। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बेर का उत्पादन चौमू जयपुर में। भारत में सर्वाधिक बेर का उत्पादन एमपी में। आपसे पूछे कि भारत के अंदर बेर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो एमपी के। राजस्थान का पूछे कि राजस्थान में बेर कहाँ के प्रसिद्ध है, तो कहाँ के? चौमू जयपुर के। आगे बात करते हैं, बेर का जो पौधा होता है, उस बेर के पौधे पर लाख कीट पालन किया जाता है। क्या किया जाता है? लाख कीटों का पालन किया जाता है। लाख कीटों का पालन किया जाता है। और लाख कीटों का जो पालन करते हैं उसे क्या कहते हैं? लेक कल्चर। क्या कहते हैं? लेक कल्चर कहते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों, बेर में ट्रेनिंग या प्रूनिंग का कार्य कब करते हैं? तो याद रखना, अप्रैल जो मई माह होता है, अप्रैल व मई के अंदर, अभी जो पिछला मंथ निकला था उसके अंदर क्या करते हैं? बेर के प्रूनिंग करते हैं। ट्रेनिंग प्रूनिंग का नाम सुना होगा आप लोगों ने, तो इसका भी आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले ले। आगे बात करते हैं मित्रों, बेर के पीएच मान की, किसकी?